गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी अनु। तो मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग का व्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ और सारा काम मेरा सुबह का हो चुका है, जो मतलब मेरा डेली का रूटीन होता है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और आज मैंने बनाई है पटल की सब्जी, थी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। डालूँ वहाँ पानी कहाँ पे? किचन में। हमारी किचन का पानी बंद हो रखा है क्योंकि हमने ना मतलब हमने क्या किसी की हमारे नीचे है ना जो उनकी किचन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लीकेज या फिर पता नहीं ब्लॉकेज हो रही है, क्या हो रखा है। तो गार्ड भैया आए थे, बोल रहे थे कि पानी नहीं चलाना। अभी जानवी पूछ रही मम्मी बर्तन साफ करने थे तो क्या करूं। मैंने कहा रहने दे बेटा, मैंने कर दिए थे वैसे दो चार बर्तन, है रहने दे, ठीक है ना। दलिया बना रही हूं मैं। ओके ओके ओके। तो अब बना रही है हमारी बेटी दलिया, तो बर्तन तो मैंने साफ ही कर दिए थे, दो तीन बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं बाद में कर दूंगी। और देखो हमारे घर में ना कभी भी मतलब काम खत्म नहीं होता है, पूरा दिन काम चलता ही रहता है। सुबह का काम खत्म होगा दोपहर का शुरू हो जाएगा, दोपहर का खत्म होगा तो शाम का हो जाएगा, और खाने के बाद में बीच में भी मतलब कभी कुछ बना रहे कभी कुछ। अभी बच्चे खाना खा चुके हैं लेकिन अभी फिर से डिमांड हो रही है कि दलिया बना दो, तो मेरे से तो बोल रही है, मुझे तो ठंड लग रही थी, मैं तो रजाई में घुसी हुई। ये देखो ये मैं रजाई में घुसी हुई हूँ, तो जानवी की ड्यूटी लग गई है अब। और मैंने जो मतलब मैं सूट सिल रही थी ना, तो मेरे 3 सूट कंप्लीट हो चुके हैं सिल के, और चौथा मैं आज कट करने वाली हूँ और फिर सिलूंगी उसको। और आप लोग सोच रहे होगा कि मैंने सिर्फ बोला था कि दिखाऊंगी, दिखाया नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सूट सिलने के बाद में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कैसे लग रहे हैं और किस तरह से मैंने मतलब सिला, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं, स्टिचिंग का थोड़ा सा बनाती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब कर भी लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, जो मुझे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से ज़रूर, और साइड में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी जरूर से जरूर हिट कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप लोगों को ना मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो अब बस मन तो है नहीं उठने का, बट फिर भी उठना पड़ेगा। सोच रही हूँ मैंने कहा कटिंग कर लूँ कुर्ते की और सिलाई करनी शुरू कर दूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और ये जो बरसात हो गई थी ना बारिश की वजह से ज़्यादा ठंड हो रही है। और तंशु ने दी है मेरे को टॉफ़ी, मेरे शौक ना छोटे छोटे बच्चों जैसे है। ये देखो ये है कैंडी, इसके अंदर ना क्या रहता है, काला नमक रहता है, तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती हूँ। शौक भी मेरे बच्चों से मिलते जुलते होते हैं, और कई बार ना मेरे को डांट भी लग जाती है, हस्बैंड बोलते हैं छोटी बच्ची बन रही है, क्या बोलते हैं वो, तो मेरी आदत ऐसी है बच्चों जैसी, बच्चों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं मुझे, खाने पीने की चीज़ें भी चुटपुट सी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ मैं। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, तो मैं खाती हूँ टॉफ़ी और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, ठीक है। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ बच्चों के रूम में, उनकी चल रही हैं शरारतें और चोरी चोरी लेके जाती हूँ। जैसे मैं कैमरा लेके जाती हूँ ना, वो बिल्कुल मतलब एकदम सतर्क हो जाते हैं, एक्टिव होकर बैठ जाते हैं, जो हरकत कर रहे होते हैं बंद कर देते हैं, बहुत हरकतें करते हैं बच्चे मेरे, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं छोटे बच्चों की तरह। अभी दिखाती हूँ बच्चों को। हेलो गाइस, कैसे हो, क्या कर रहे हो? राम लक्ष्मण की जोड़ी बैठी हुई है, ये देखो कर क्या रहे हैं, हीटर, ओहो हीटर के फुल मजे लिए जा रहे हैं बेटा, चादर तो ठीक कर ली होती। तंशु बेडशीट का क्या हाल है इनके, देखो कंबल इधर दिख रहा है, चादर उधर हो रखी है। तो बालकनी में और मौसम दिखाती हूँ बाहर का, कैसा मौसम हो रखा है, बरसात का मौसम है लेकिन आज बरसात है नहीं, थोड़ा मतलब खुला खुला है, पर धूप भी नहीं है, धूप ही नहीं कह सकते इसको। और मैंने देखो ये टोपी लगा रखी है, लग तो अजीब रही होगी कार्टून की, बट ठंड हो रही है और ठंड में ना मुझे टोपी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर का नज़ारा, थोड़ी थोड़ी धूप, और गाइस ये देख रहे हो आप, ये है ना, ये कोई डरावनी चीज़ नहीं है, ये है एस्ट्रे, ये देखो ये मेरे भाई की फेवरेट थी, मेरा भाई लेके आया था। ये मैंने यहाँ पर प्लांट निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि ना बहुत मतलब अंदर धूप नहीं जाती ना, तो अजीब सी हालत हो जाती है प्लांट्स की, तो मैंने बाहर रख दिए हैं, थोड़ी धूप लगेगी, हवा लगेगी, धूप तो है नहीं हवा लगेगी। और वो तेल का कैन है उसके ऊपर धूल हो रखी है, वो मैंने अभी साफ नहीं किया है, बार बार हो जाती है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की कैन रखी है ना, इसमें इन्वर्टर का पानी था। तो चलिए अब अंदर चलते हैं हम लोग, अंदर चलती हूँ। और ये बच्चे मेरी कर रहे हैं खिंचाई, बोल रहे हैं मम्मी को ऐसे ठंड लगती है, वैसे बिस्तर में से निकलती नहीं है। और मम्मी पहुँच गई है बालकनी में, और आपको तो पता है बालकनी में मैं क्यों गई थी, मुझे देखना था बाहर निकल के कि कैसा मौसम हो रहा है, और मौसम तो जैसा हो रहा है वैसा हो ही रहा है। बट मेरे को एक काम और नज़र आ गया, वहाँ पे जो मैं जलहरी भरती हूँ ना, जो पक्षियों के लिए पानी रखते हैं हम लोग, वो मैंने आज सुबह मतलब जलहरी नहीं भरी थी, तो वो मुझे अभी ध्यान आया, मैंने देखा तो खाली पड़ी हुई है, मैं भर के आ गई हूँ, क्योंकि पक्षी बेचारे उनको भी तो पानी चाहिए ना, वो बेचारे पूरा दिन इधर उधर फ्लाइंग करते रहते हैं, तो मैंने भर के रख दिया है।
पी लेंगे आराम से मज़े में। तो चलो मैं वापस से अपनी रजाई में घुस रही, थोड़ी देर बाद फिर मिलूंगी आपसे। किचन में, और देखो डॉक्यू मेरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैंने दूसरी भी मुँह में डाल ली है, तो मैं सारी ख़त्म कर दूँगी ऐसे धीरे धीरे करके। और अब हम चलते हैं किचन में, और किचन में हमारा बन रहा है दलिया, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। दलिया बन रहा है हमारा यहाँ पे, और दलिया थोड़ा ही बनाना है। जानवी बेटा चमचा कहाँ है, चमचा कहाँ? और ये ना आज हम अलग तरीके से बना रहे हैं, वैसे दूध में डाल के बनाते हैं, बट अब ये ना पानी में उबाल रही हूँ मैं। मैं क्या जानवी, मतलब मैं तो सिर्फ दिखा रही हूँ, जानवी बना रही है दलिया। तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, गल जाएगा, तो हम इसमें दूध मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है, दूध भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कम दूध भी चल जाता है, पक भी ढंग से जाता है, पक भी अच्छे से जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये मीट का तो होता ही है, गेहूँ का बना होता है, तो थोड़ा सा हार्डनेस होती है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे, ये देखिएगा, और जो हम डालना चाहते हैं चीनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। वैसे हम लोग चीनी डालते हैं, अब पूछते हैं बच्चों से शक्कर डलवाएंगे या फिर चीनी डलवाएंगे, शक्कर डलवाएंगे नहीं वैसे, चाय तो हम लोग शक्कर की पी लेते हैं, क्योंकि शक्कर की चाय ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे से कोई पूछे ना कि हम चाय बना रहे हैं तो किस चीज़ की बनाए, शक्कर की या चीनी की, तो मैं तो शक्कर की बोलूँगी, बट एक चीज़ है शक्कर मतलब काली कलूटी सी नहीं होनी, गोरी फिटी होनी चाहिए। तो काली शक्कर की चाय में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, गोरी गोरी शक्कर होती है ना उसकी चाय अच्छी लगती है। तो ये चीनी डाल देंगे, ये देखिएगा, और अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो दलिया हमारा बन चुका है, और हम सर्व करके दिखाएंगे आप लोगों को, तो आप रेडी हो जाइए खाने के लिए फटाफट से। अब मैं चलती हूँ अपने रूम में, वापस से कपड़ा निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको आज मैं कौन से कपड़े की कटिंग करने वाली हूँ, ठीक है? तो चलो, ये मम्मी की बातें सुन रहा है डफ़ी, हेलो करो डफ़ी। डफ़ी आजकल बहुत शैतान हो रहा है, पता है रात को क्या करता है, ये अपनी ना जैकेट उतार के रख लेगा साइड में, और हीरो बन के रहता है, देखते हैं ना बिस्तर छोड़ के सोफे पे बैठा मिलता है डेली के डेली, और जैकेट इसकी अलग रहती है, जैकेट पहनने के लिए फिर भागता है ये जो घुमाने ले जाते हैं ना, अपनी जैकेट उतार के मेरी जैकेट पे बैठ जाता है। अपनी जैकेट उतार देगा, दीदी की जैकेट पे बैठ जाएगा। डफ़ी डफ़ी हेलो पिकी, और देखो इसकी आइज कितनी प्यारी लगती है ना, एकदम लाइट जैसी लगी, लाइट जैसी। अब बिस्किट का नाम ले, भाग गया ये भुक्कड़, गया किचन में चला गया, किचन में चला गया। डफ़ी ले बिस्किट, देखो ये आया, ये आया, देखो लालची है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लालची है, सबको मस्का लगाता फिरता रहता है। यहाँ पे इसका बिस्तर रखा है। और हाँ एक चीज़ तो मैं दिखानी भूल गई आप लोगों को, ये जो मेरा पाम ट्री है ना, इसकी इतनी अच्छी लीव्स थी, देखो कितना अच्छा था ना, कितना घना था, और क्या हो गया, मैं रह गई जानवी के चक्कर में, जानवी रह गई मेरे चक्कर में, उसने सोचा मैंने काट दिया इसको, और मैंने सोचा मैंने कहा उसने कट कर दिए लीव ये, बट ये किसी और ने कट कर दिए, समझ में नहीं आ रहा किसने, या तो गिलहरी ने या फिर चूहे ने कर दिए बालकनी में। और देखो किस तरह से कटाई करी है, ऐसा लग रहा है देखने में सीजर से कट कर रखा है। तो चलो जी अब जो हो गया सो हो गया, मैंने तो पूछा नहीं था, मुझे लगा मैंने कहा जानवी ने कट किया है, सूखी हो रही होगी पत्ती, लेकिन वो मेरे से पूछ रही थी सुबह, मम्मी आपने कट किया, मैंने कहा नहीं भाई मैंने तो नहीं किया, तो क्या हल कर दिया, देखो कितना प्यारा लगता था ना ये पाम ट्री, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, बट चलो कोई नहीं। थैंक यू सो मच, बेटी हो तो ऐसी जानवी जैसी। लो यार कैमरे मत चल, अब इसकी वीडियो क्रिएट हम करेंगे ना, ऐसे ऐसे वाली वीडियो का मैंने कब लिया, आके रिव्यूज दीजिएगा।
सवाल क्या हो रखा है, बढ़िया हो रखा है तो नहीं सोचना क्यों जा रहा है। हुआ क्या वैसे गिर जाएगा पर ना हाथ में दर्द नहीं है पैर में है। अब ठीक हो? पैर में दर्द हो रहा घुटने में। निकल जाएगा जहाँ तेरी मर्जी करे तू उड़ा उड़ा फिर मैं ना रोक तुझे। आज मैं भी नहीं रोकूंगी। 8 o'clock हो रखे हैं और आज है लोहरी, तो आप सब लोगों को हैप्पी लोहरी मेरी तरफ से और मेरे समस्त परिवार की तरफ से। तो अभी ना प्रोग्राम हो रहा था नीचे लोहरी का और गार्ड भैया आए थे बुलाने के लिए, बट क्या करूँ अचानक से मेरे पैर में दर्द हो गया तो मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है। अब मैं बालकनी से देखती हूँ बच्चों को, बच्चे गए हैं नीचे तो चलिए बालकनी में चलती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ। पता नहीं अचानक कैसे हो गया मेरे पैर में दर्द, इतना बुरा हुआ कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था रसोई में, बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी। बालकनी में और हमारे साहब भी आ गए हैं मेरे पीछे पीछे देखो। देखो ड्राइंग कर रही थी मम्मी, ब्लॉगिंग नहीं कर रही, देख रही है। देखो डैडी की फ्लैश। को दिया है सारी को दे के आ गया। अब ले आ हैप्पी लोहरी सेम टू यू। हैप्पी लोहरी माय यूट्यूब फैमिली।
मैं तो गाड़ी बोल रही थी। हैप्पी लोरी चंचू जपी चंचू। तो गाइस रात हो रही है और हम लोग खाना खा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी। ये डाल लिया है हमने खाना और भूख लग रही है बहुत तेज से। तो खाना खाने के लिए बैठी हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है और ठंड हो रही है। आज पूरा दिन हो गया मेरे को कैप नहीं उतारा मैंने, और अभी भी उतारने का मेरा कोई इरादा है नहीं। इसको देखो, हीरो को हीरो के नखरे देखो कितने हाई वोल्टेज के हो रहे हैं। और पीछे हमारे डुंटा पाम ट्री।